नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं कार्गो मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज की डिस्कस में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक और नई भर्ती की। हालांकि इससे पिछले वाले वीडियोस भी आप देख लिए होंगे जिसमें अपन ने बात की थी मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती, जिसमें 197 पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई थी। हालांकि एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टोटल यहाँ पे 76 वैकेंसी हैं, जिसमें सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पदों पर ये वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी। तो इस डिटेल्स में हम कंप्लीट इसके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे और कंप्लीट ये बात करेंगे कि कब इसकी लास्ट डेट होगी और क्या इसके लिए उम्र होगी, साथ ही योग्यता, और उसके बाद में उसके पाठ्यक्रम सिलेबस का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, और लास्ट में अपन बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन डेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कब तक यहाँ पर इसका आयोजन करवाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 76 पदों के ऊपर सहायक जनसंपर्क अधिकारी यानी कि असिस्टेंट आपका PRO वैकेंसी यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर बात करें आवेदन प्रक्रिया की, टोटली इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से ही इसका आवेदन भरना होगा, इसमें ऑफलाइन माध्यम वैलिडेट नहीं है। इसके लिए आपको SOCIDs के माध्यम से इसको लिंक को पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर के सबमिट करना है। साथ ही परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरीज के लिए ₹450 रखे गए हैं, साथ ही OBC नॉन क्रिमिनल की बात करें तो ₹350 हैं। उसके बाद में अपने पास में ST SC की जो कैटेगरीज है उसके लिए ₹250 हैं। उसके बाद में अन्य जो कैटेगरी है जिसमें 2.5 लाख से कम जिसकी इनकम है उनके लिए ₹250 यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑनलाइन भरते समय आपको देने होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रवेश पत्र की। हालांकि आयोग के द्वारा जैसे ही एडमिट कार्ड यहाँ पे पब्लिश किए जाएंगे आपको अवगत यहाँ पे करवा दिया जाएगा मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लंबवत आरक्षण की बात करें, टोटल यहाँ पे 76 पदों पे ये वैकेंसी करवाई जाएगी। सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ पे 21 पदों के ऊपर होगी, उसी में महिलाओं के लिए 7 पद है, विधवाओं की बात करें 2 वैकेंसी है, और आपके पास में नेक्स्ट अनुसूचित जाति की बात करें तो टोटल 9 वैकेंसी पुरुषों के लिए होंगी, 2 वैकेंसी उसमें महिला होंगी, 1 वैकेंसी पे विधवा होगी। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की, टोटल इसमें 7 वैकेंसी पुरुषों की होंगी, 2 वैकेंसी यहाँ पे जो होने वाली है वो सामान्य महिलाओं के लिए होंगी, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति की बात कर रहा हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें टोटल 11 वैकेंसी पुरुषों की होंगी, 3 वैकेंसी महिलाओं के लिए होंगी और 1 वैकेंसी विधवाओं के लिए यहाँ पे रखी गई है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो टोटल इसमें सामान्य पुरुष के लिए 3 वैकेंसी होंगी, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 वैकेंसी पुरुषों के लिए होंगी, 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए यहाँ पे होंगी। आगे बात करें तो इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 9 वैकेंसी आवंटित की गई हैं, साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है जो कि टोटल वैकेंसी के 2% इनको कोटा यहाँ पे दिया जाता है, टोटल 1 वैकेंसी इसमें रखी गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करता चल रहा हूँ, बाकी तो इसमें काफ़ी चीज़ दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2% रिजर्वेशन टोटल वैकेंसीज का देना होगा। साथ ही बात करें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पे इसमें कुछ दे रखे हैं, ये दिव्यांगजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो इसमें आपको RSMB के द्वारा लेवल L10 के निर्धारित शर्तों के अनुसार इसमें देना होगा। साथ ही पात्रता और उसकी योग्यता की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो इसमें सभी अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते, इसमें वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिनके पास में जो डिग्री है वो पत्रकारिता विभाग में है, यानी कि आपकी एडवर्टाइज डिपार्टमेंट में जिनके पास में ग्रेजुएशन है, डिग्री है, वो अभ्यर्थी इसमें कर सकते हैं। साथ ही इसमें किसी भी जो विद्यालय है या फिर महाविद्यालय है वहाँ से जो मान्यता प्राप्त उनके पास में जो डिग्री है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन, सभी व्यक्ति इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अन्य योग्यताओं में आप देख सकते हैं राष्ट्रीयता की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो भारतीय होना चाहिए। उसके बाद में सहायक जनसंपर्क अधिकारी की जो उम्र होगी 18 साल से 40 वर्ष तक यहाँ पे होगी, हालांकि उसमें कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसको छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कुछ और मूलभूत बातें हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके लिए लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहेगी। तो आयोग यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2021 रखी गई है। हालांकि इससे पहले मैंने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी की बात की थी उसके अंदर भी इसकी लास्ट डेट जो थी ऑनलाइन वो 31 दिसंबर 2021 ही रखी गई थी। तो दोनों की आप देख सकते हैं सेम, आप इसकी अगर बात करें परीक्षा दिनांक की और महीने की,
तो इसके एग्जामिनेशन आपके 13 फरवरी 2022 को यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी डेट यहाँ पे नॉमिनेट की हुई है। नियुक्तियाँ अयोग्यता की बात करें तो ये अभी अपने काम की नहीं है। आवेदन कैसे करें, सिंपल आपको ऑनलाइन माध्यम से आपके फ़ोटोज़ को स्कैन करके अपलोड करके फाइनली सबमिट आपको करना है। संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स के लास्ट जब डे होगा उससे 7 दिन जो समय आपको 300 रुपये का आपको देने होंगे संशोधन अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को करवाने के लिए। वो तो बाद की प्रक्रिया है, जैसे लास्ट एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है उसके बाद में जो आपको संशोधन मांगा जाएगा आयोग के द्वारा, तो आप अपने संशोधन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स को, उसके लिए आपको 300 रुपये अतिरिक्त इसको देने होंगे। उसके बाद में कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की है, आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का पाठ्यक्रम जल्दी यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपने पास में राजस्थान में एक नई भर्ती थी जिसका मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और इसमें आपका सहायक जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है यानी कि APRO है उसकी वैकेंसी निकाली गई है इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और इससे पहले अपन ने बात की थी, वो बात की थी मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती के पदों के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी से समझ में आ गया हो। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।